खुदाई किस्मत प्यार, भगवान के सेवा के, भगवान को सेवा करने वाले चाहिए, है ना। खुदा को भी खिदमत, सेवा करने वाले, किसकी सेवा? खुदा, भगवान को कुछ नहीं, पाव भी नहीं है, मुंह भी नहीं खाने के, कुछ नहीं। लेकिन भारत को उसने जो सृष्टि रची, वो सृष्टि तमो प्रधान बनने है, पति बनने है, दुखी अशांति हो गई है। तो उस सृष्टि को फिर से कौन करेगा? विधाता ही करेगा, है ना। उस माँ बाप को अपना तन मन तन धन तन नहीं है, वो चाहता है कि बच्चों के मदद से मैं इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाऊं। लेकिन क्या बच्चे भगवान को मदद करेंगे? करेंगे? भगवान को मदद चाहिए बच्चों को? करेंगे? सोच के बताना, भगवान को मदद चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं। हाँ, साधारण व्यक्ति को मदद कर सकते हो, भगवान को मदद चाहिए। तब बाबा ने कहा, भगवान को कौन मदद कर सकता है? कैसे मदद करेंगे? धन देंगे? क्या देंगे? दो पैसे भंडारे में डालेंगे, 10 रुपया डालेंगे, जैसे मंदिर में जाते हो 2 रुपया डाल दिया, भगवान 2 रुपये का भूखा है क्या? भगवान को देते हैं भंडारे में 2 रुपया डालते हैं, 1 रुपया डालते हैं, तो ये गलत आदत है। भगवान देने वाला है, उसको क्या चाहिए बताओ? भगवान को हम बच्चों से क्या चाहिए? हाँ, तो भारत को स्वर्ग बनाने के बच्चे चाहिए। कौन से बच्चे? क्या मदद देगा? पवित्र बच्चे। हाँ, ऐसे बच्चे नहीं, ऐसे बच्चे तो बहुत है, वो बच्चे चाहिए भगवान के मदद करने वाले, पवित्र बच्चे चाहिए। पवित्रता के बल से ही पवित्र दुनिया को पवित्र कर सकते हैं। भगवान भी किसका हाथ पकड़ेगा, किसकी मदद लेगा? तब कहा, मुझे योग के पात्र चाहिए। अगर योग के पात्र मिल जाए, भगवान भी ढूंढता है, देखता है ऊपर से, योग के पात्र कौन है जो मेरे मददगार हो, मैं उनके मदद से इस भारत को स्वर्ग बनाऊं। मैं दादी से पूछ रहा था, दादी आपने इतना बड़ा पिताजी था, परिवार था, सब छोड़ के बाबा के पास क्यों आए? क्या दिया आपको बाबा ने? तो अपना घर था, देखो 2 किलो सोना था, इस सब सोना सब छोड़ करके बाबा के इतने छोटी सी झोपड़ी में, खाना भी नहीं है, जमीन पर बैठ करके एक ही छोटे से कमरे में क्यों आए? क्या मिला आपको? हाँ, भगवान को ऐसे पवित्र बच्चे चाहिए। ये दादी आई नहीं, भगवान के चुन के निकाल, उनको उनकी नजर है, मुझे कौन से बच्चे चाहिए, वो उनको खींचता है, उनको कोई दिखाई नहीं देता। उस समय परिवार, ये वो, दुनिया कुछ नहीं, सब दुनिया के लिए अंधे हो जाते हैं, एक ही भगवान दिखाई देता है, मेरा जीवन भगवान के लिए। और वो अपना सब कुछ त्याग करके, बाबा ने तब कहा, मुझे ऐसे पवित्र बच्चे चाहिए, खुदाई किस्मत का, भगवान की सेवा की। तो आप अपने आप से पूछ लो, क्या भगवान मेरी सेवा लेगा? मैं तो चाहता हूं भगवान की सेवा करूं, लेकिन वो लेगा? पूछना हर एक आज के मुद्दे से, अपने आप से पूछो, हर एक भगवान को चाहता है, क्या भगवान मुझे चाहता है? ये पूछना। भगवान के नजदीक मैं जा सकता हूं, जाने योग्य हूं? देखो भाई जी ने 10 करोड़ रुपए खर्चा करके बहुत बड़ा मंदिर बनाया, वो कहेगा मैं पूजा करूंगा, जा सकता है? नहीं, ब्राह्मण ही चाहिए। तुमने मंदिर बनाया, इतना बड़ा मूर्ति स्थापन किया, लेकिन आप मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। मूर्ति को हाथ लगा के पूजा करने वाला ब्राह्मण ही चाहिए। भले आप 10 करोड़ में 100 करोड़ खर्चा करो, लेकिन नहीं जा सकते हो। तो भगवान को कौन चाहिए? रोज अपने आप से सवेरे उठते पूछ लो, मेरा बाबा कहने से पहले, क्या बाबा मुझे कहेगा कि मेरे बच्चे, बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी? ये पूछना। दुनिया भगवान को पुकारती, कितनी कितनी मेहनत करते हैं, है ना, भगवान के लिए क्या क्या करते हैं। भगवान मुझे, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं उसके पात्र हूं, ये पूछना चाहिए, है ना। ऐसे कहना, वो बाबा ने कहा, अगर पात्र
योग्य है भगवान अपने आप खींच के लेगा, आप चाहो नहीं चाहो, आपकी इच्छा नहीं उसकी इच्छा चाहिए। तो उसकी अगर इच्छा है, आप कहां भी कैसे भी करोड़पति भी हो रोडपति भी हो, इसके पास कुछ भी नहीं है। मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, भगवान ने बुला के कहां से कहां पहुंचा दिया, यज्ञ की मां बना दिया। सारे यज्ञ बाबा भी कहते थे मम्मा मां कहते थे, मम्मा की माता जी भी थी, वो भी मां भी बच्ची को मां कहते थे, नहीं मेरी लड़की नहीं है ना। तो इतना कहा लक्ष्मी बनेगी, सरस्वती बनेगी, विद्या देवी। बाबा ने मुरली सुनाई तो उस मुरली पर मम्मा बैठ के लिखती थी और बाबा के पास स्वयं मुरली का स्पष्टीकरण करती थी, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये। तब सबको मम्मा की मुरली समझ में आता, बाबा फटाफट बोलता है, सागर है ना, सागर के लहर के बाद एक एक निकलती रहती है, लेकिन मम्मा बच्चों को, माँ बच्चों को कैसे खिलाती है, नरम करके। तो मम्मा एक एक शब्द का अर्थ सुनाती है, तो सब मिल करके मम्मा कहते हैं। आप पूछो कि ये भगवान मुझे पसंद करेगा, ये रोज अपने आप से पूछते हैं कि भगवान के नजदीक जाने के लिए योग्य हूं मैं, आप चाहते हो, वो चाहता है तभी तो हो लेगा ना। तक का पात्र को देखेगा, योग के पात्र चाहिए तो मैं बच्चों से बच्चों की मदद लेने तैयार, मुझे चाहिए भी कि भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा के लिए, लेकिन योग के पात्र चाहिए।